एक बात मैं आपको बता दूं, कल जब रोहित शर्मा खड़े हुए थे, अच्छा पिछली बार इसकी तस्वीरें अगर हम निकाल के दिखा देना, पिछली बार हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स एरिया में बोला था कि हो सकता है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस वापस चले जाएं, जब अंबानी साहब से बात कर रहे थे, याद है आपको, हार्दिक पांड्या मैच के बाद मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस अंबानी साहब से बात कर रहे थे। इस बार मैच के बाद अंबानी साहब, रोहित शर्मा, राशिद खान खड़े हुए थे और हार्दिक पांड्या देख दिखा के देखा कि अंबानी के साथ में रोहित खड़े हुए हैं, तो पीछे से आके रोहित को झप्पी मारी। वो देखिए, पहले अंबानी साहब, राशिद खान जी और रोहित द रियल कैप्टन खड़े थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या पीछे से आए, झप्पी मार ली रोहित शर्मा को, और अंबानी को भी देखिए वो देख रहे हैं वहां पर, बात तो राशिद से कर रहे हैं लेकिन देख रोहित शर्मा की तरफ है, और उसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ बड़े मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से उनको समझाया, जैसे रोहित शर्मा समझाते हैं क्या यार तू इधर उधर कर रहा है, कुछ उनको क्लास लगाई हार्दिक की, और अंबानी वो पूरा देख रहा था कि वो क्या चल रहा है वहां पर। और मेरे ख्याल इस मोमेंट में, और ये हमारे सूत्रों ने बताया कि उसको रियलाइज हुआ कि शायद जल्दी कर दी, शायद जल्दी कर दी हार्दिक, और शायद गलती भी कर दी कि हार्दिक को इतनी जल्दीबाजी में वापस ला के, एक ऐसा प्लेयर जो कि इंजर्ड था, हमें देखिए सरप्राइज सबसे ज्यादा इसीलिए, ऐसा नहीं है कि रोहित का टाइम खत्म नहीं हो रहा था, खत्म हो रहा है भाई, एज भी हो गई है, बॉडी भी एक तरीके से, वर्ल्ड कप के कैप्टन है, हाँ वर्ल्ड कप के कैप्टन है जो भी है, लेकिन एक साल ये वाला साल तो कर सकते थे, बिकॉज अभी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गए थे और लगातार टेस्ट मैच भी खेल रहे थे, तो वो शॉकिंग था कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं भी है, इंजर्ड भी है, फिर भी उसको कप्तान बना दिया और रोहित को नाराज करके भी। लेकिन अब जब कल आप देखिए कि उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी, स्पेशली बिकॉज हार्दिक ने पहले सोचा कि मैं बॉलिंग करा लूं पहले दो ओवर, वहां पिट गया, फिर उसने सोचा कि चलो भाई मेरी जरूरत ही ना पड़े, टिम डेविड वगैरह फिनिश कर दें, मैं सिर्फ जाऊंगा विक्ट्री स्पीच में जाके बोल बाल के वापस आ जाऊंगा, वो दाव भी उल्टा पड़ गया, टिम डेविड 11 बॉलों में 10 रन और जब तक ये गया एक ओवर में 19 रन इससे बने नहीं, हालांकि इसने छक्का चौका अच्छा मारा, तो अंबानी साहब ने सब कुछ नोट, और रोहित ने कल रन मार दिए, रोहित ने कल अच्छे खासे रन मार दिए जो कि रोहित के रन ही नहीं आ रहे थे, हालांकि 150 अभी भी नहीं आया काफी टाइम से रोहित का, लेकिन रन मार दिए कल रोहित ने, तो ये भी अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद, जैसे आपने देखा चेन्नई सुपर किंग्स में रविंद्र जडेजा आधे सीजन के बाद उनको हटा दिया गया था, एमएस धोनी वापस कप्तान बन गए थे, शायद यहां पर रोहित शर्मा को क्या दोबारा कप्तान तो नहीं बना देंगे। देखो इसमें तीन चार चीजें हैं समझने वाली, एक कल आपको कौन लगा कप्तान था फील्ड पे, आधे मैच के बाद तो आपको ये लग रहा था कि रोहित शर्मा ही कप्तान है, बुमराह वो बातें कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट रोहित शर्मा बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या बार बार रोहित शर्मा के पास जा रहा है, और रोहित शर्मा से बात करने के बाद जब हार्दिक पांड्या निकल रहा है तो बुमराह रोहित से ही बात कर रहे हैं, बुमराह हार्दिक से बात ही नहीं कर रहे, बेसिकली हार्दिक ने एक दो बार अपना दिखाया कि मैं कप्तान हूं, आप लॉन्ग ऑन पे चले जाओ, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, लेकिन उसके बाद कप्तानी तो फील्ड पे ऐसा लगा रोहित शर्मा ही कर रहे हैं, और जब एंड में जाके हार्दिक जीता हुआ मैच हरवा दिया उन्होंने और गुजरात टाइटंस जीत गई, तो इससे लगा कि भाई एक तो आपकी कप्तानी में इतना भी दम नहीं है कि यार इतना बड़ा ओपनर हुआ आपको कप्तान बनाया, आप ऊपर जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जिताते आप डर के बैठ गए, और सेकेंडली वही टीम जीत गई जिसके आप कप्तान थे, जिसके बेसिस पे आपको कप्तान बनाया कि तुमने गुजरात टाइटंस को कैप्टन बनाया, गुजरात टाइटंस को शायद तुम्हारी जरूरत नहीं है बॉस, वो तो तुम्हारे बिना ही जीत गए और तुमसे ही जीत गए, तो ये सारे फैक्टर्स के मद्देनजर अब ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज रिमेंबर रोहित शर्मा ही वर्ल्ड कप के कप्तान है, और कल जयशाह साहब भी खड़े थे वहां पे, जयशाह साहब ने मिलके पीछे हाथ करके, ईशान किशन भी खड़ा था कि मालिक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हो जाता तो उसके भी कंधे पे हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा आगे से पंगे का ना करना है ना, और वहां पे वो भी मुस्कुरा रहे थे रिजल्ट के साथ, बिकॉज रोहित शर्मा के साथ जयशाह भी खड़े थे, रोहित शर्मा के साथ अंबानी साहब भी खड़े थे, और हार्दिक पांड्या को ज्यादातर मतलब ही वॉज लुकिंग वेरी लॉस्ट, वो इधर उधर देख रहा था कि मैं क्या करूं, हो आगे ये भी सकता है कि हार्दिक, देखो अब हार्दिक एक ही चीज कर सकता है, वो जहां जाएगा बू होगा, कल जो बूइंग हुई है वो जहां जाएगा रोहित के ही नारे लगेंगे, हैदराबाद में खास कर जाएंगे अगला मैच, रोहित के ही नारे लगेंगे, हार्दिक पांड्या को इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब वंशिका ही यहाँ पे उसका कत्ल करने के लिए घूम रही है तो आप सोचे कि ग्राउंड में क्या होगा, लेकिन हार्दिक की एक ही यहाँ पर सोल्यूशन है कि वो परफॉर्मेंस दे, वो अब परफॉर्मेंस से ही दिल जीत सकता है और परफॉर्मेंस से ही साबित कर सकता है कि नहीं भाई मुंबई इंडियंस की कॉल ठीक थी, अंबानी साहब की कॉल ठीक थी, मैं ही इस टाइम पर डिजर्व करता हूं, बट अभी क्योंकि उसको मेरे ख्याल से इतनी एनर्जी उसके पीछे पड़ी हुई है कि नीचे गिर जाए तो थोड़ा सा कल उसका जीता हुआ मैच भी वो हार गया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हार्दिक पांड्या आगे अच्छा करेगा, अगर अच्छा नहीं करेगा मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूं
ये कप्तानी मिड सीजन वापस फिर रोहित शर्मा के पास भी जा सकती है. बी रेडी फॉर दैट. बी रेडी फॉर दैट. क्या रोहित के साथ बिल्कुल हुआ, बट क्या रोहित शर्मा वापस कप्तानी ले लेंगे वो तरीके से. अगर रोहित, अगर आपने आरसीबी के ऊपर पंजाब के ऊपर भी टीम तो बना ही लेंगे राहुल अभी जैसे ही प्लेइंग 11 आएगी. लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, रोहित शर्मा ने जितनी स्मार्टली ये पूरा एपिसोड खेला है ना, किसी ने भी नहीं खेला. एक बार भी उन्होंने ना मुंबई इंडियंस की बुराई करी, ना अंबानी साहब की बुराई करी, और बिना बुराई करे ही उन पे वार भी कर दिया. इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कम हो गए. अगर वो चाहते तो वो बोल देते कि भाई मत करो ये सब, ये जो सारा तुम शोर मचा रहे हो मत करो, मैं तो इनके साथ हूं. एक बार भी नहीं बोला. और मुंबई के लिए भी खेल रहे, हार्दिक के अंडर खेल रहे चुपचाप, है ना. उनकी वाइफ ने काफी बार लिख दिया, उन्होंने नहीं लिखा डायरेक्टली, उनकी वाइफ ने काफी बार अपना गुस्सा जाहिर कर दिया कि जी सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस बाउचर के स्टेटमेंट पे, चेन्नई सुपर किंग्स पे दिल बनाना. हर बार मुंबई इंडियंस की सोशल मीडिया ने, रॉन्ग पे रहो या लॉन्ग शॉट पे रहो, हर बार मुंबई इंडियंस की सोशल मीडिया ने भैया वहां पे रितिका के लिए और रोहित के लिए, उनकी बेटी के लिए बर्थडे विशेज, एनिवर्सरी विशेज, एक बार झूठे मुंह उन्होंने कॉमेंट नहीं किया किसी ने भी, पूरे परिवार ने. और कल आपने देखा कि हाव भाव क्या थे वो. पहले आपने देखा था अंबानी स्कूल में भी गए थे दोनों, काफी चीजें उन्होंने करी. फाइनली ये आप अगर पूरा एपिसोड देखेंगे, रोहित शर्मा ने इतनी स्मार्टली प्ले किया है, उन्होंने कप्तानी भी ले ली इंडिया की, टीम इंडिया की, क्योंकि हार्दिक बाहर था, और अब शायद वो मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी ले ले. उनका क्या गया, उनकी तो इज्जत और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस भी तो करके दिखाई ना. परफॉर्मेंस ही तो मैटर करती है, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन एक बात ये भी है कि फिर उनका ये हो जाएगा, भाई मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, आपका डिसीजन था, मैं तो आपके सामने खड़ा था, आपने डिसाइड करा कि हार्दिक को बनाना है, बना लो आप. अब आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं भाई आपको मेरी जरूरत है, आई एम रेडी. उससे तो उनका कद और ऊंचा हो जाएगा, पर हार्दिक को दोबारा कप्तानी नहीं मिलेगी. नहीं, क्योंकि एक फैन का भी एंगल है ना. अब रोहित शर्मा के फैन जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुई है, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, अब रोहित शर्मा के फैंस के लिए अगर अकॉर्डिंग सोचा जाए, उनको तो ये लगता था कि रोहित शर्मा तो मुंबई इंडियंस में ही ना खेले, वो तो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी छोड़ दे, किसी दूसरी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन कर ले, बिकॉज बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फ्रेंचाइजी की तरफ से हो गया है. अब ऐसे में क्या रोहित शर्मा, जब कप्तानी वापस जाने की बात आएगी, तो रोहित शर्मा क्या वो फैसले में अगर उन्होंने हामी भर दी, तो क्या ये फैन के बेसिस पे जस्टिफाइड होगी? नहीं नहीं, फैंस तो बहुत खुश होंगे, फैंस तो चाह रहे हैं कि कल बना दो, फैंस तो चाह रहे हैं भाई कि कल भी नहीं आज बना दो, आज अनाउंस करो कि रोहित शर्मा ही कैप्टन है, वो तो चाह रहे हैं. देखो मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना कि इसमें फैंस का गुस्सा तब तक ही है जब तक रोहित मुंबई के कैप्टन नहीं है. फैंस को और चाहिए क्या? फैंस ये नहीं देख पा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के अंडर रोहित शर्मा खेल रहे हैं. कल मुझे खुद को अजीब लग रहा था. हाँ, वो कभी जब हार्दिक पांड्या फील्ड सेट कर रहा था, मेरा लेना देना कोई नहीं, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता. मैंने तो बोला था कि मैं तो आई एम कंफर्टेबल विद हार्दिक बीइंग कैप्टन, लेकिन जब वो कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है. कभी बाद में जब वो बकवास आ गया था, जब उसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, तब वो हार्दिक रोहित को ढूंढ रहा था, कहीं रोहित के पास जाए, रोहित खुद ही फील्ड लगा रहा था. वो था ना जब बुमराह और रोहित शर्मा, बुमराह और रोहित शर्मा जब बात करें, हार्दिक को हार्दिक निकल गया, बुमराह एडवाइस ले रहा था रोहित शर्मा से. तो भाई जब रोहित शर्मा ने ही कप्तानी करनी थी, फिर हटाया क्यों था? और आप ये देखो कि मैच खत्म होने के बाद जब हार्दिक जाके पीछे से रोहित को हग करता है और पकड़ता है, वहां पर एक गुरु और चेले का जो है ना एक कॉम्बिनेशन लगा. बिकॉज सी लेट्स बी ऑनेस्ट, हार्दिक ने अपने एरोगेंस में या पता नहीं एटीट्यूड में जो जो कमेंट्स दिए कि जी मुंबई इंडियंस तो प्लेयर्स बनाती नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर्स बनाती है. और उसके बाद रोहित शर्मा का इंटरव्यू आया कि भाई यहाँ पे बैठ के प्लेयर बना रहे तेरे जैसे ही. पैराफ्रेज कर रहा हूं थोड़ा, लेकिन उनका मतलब वही था कि भाई तेरे को हमने ही बनाया, तू कौन था किसी को नहीं पता था मुंबई इंडियंस से पहले. और ये एडमिट भी कर रहा है हार्दिक ने कि जो भी मैं हूं आईपीएल की वजह से ही हूं. तो आईपीएल की वजह से हूं, तो आईपीएल तो तूने मुंबई इंडियंस से खेला ना भाई, वहीं से तूने सारी प्रसिद्धि. और एक बार मैं आपको और बता दूं, पूरी जिंदगी हार्दिक पांड्या को जो सक्सेस मिली उसमें मैं 50% श्रेय दूंगा कायरन पोलार्ड को. भाई कायरन पोलार्ड वो आंधी है जिसने मुंबई की सक्सेस में सबसे ज्यादा योगदान दिया अलॉन्ग विद मलिंगा. पहला जो चैंपियनशिप पहली जीती थी मुंबई इंडियंस ने, कायरन पोलार्ड ने सिंगल हैंडेडली फाइनल जिताया था. तो जब पोलार्ड जैसी छत्र छाया मिलती है, पोलार्ड जैसा अल्टीमेट फिनिशर मिलता है, आपकी गेम निखर के आती है. बिकॉज आपको पता है भाई मैं आउट भी हो जाऊं, पॉली भाई को तो किसी का प्यो नहीं आउट कर सकता. और वो तो जब अगर जम गया पॉली
आप आउट करके दिखा लो, आउट छोड़ो आप मैच जीत के दिखा लो। कि कारण पोलार्ड एक अल्टीमेट गाइडिंग फिगर हमेशा से, हमेशा चाहे वो बॉलिंग हो जाए, चाहे वो बैटिंग हो जाए, चाहे वो कप्तानी हो जाए, पॉली ने कप्तानी भी करी ना, एक सेम तरह का स्ट्रेचर रहा, ऑलराउंडर, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, कहीं ना कहीं ये ना एक बहुत इनका खूबसूरत ट्रांजिशनल टाइम जैसे विराट और रोहित के, विराट और धोनी के साथ था ना, कि धोनी का एंडिंग शुरू हो रहा था, विराट का राइज शुरू हो रहा था। नहीं लेकिन लक्ष्य मैं समझाना क्या चाह रहा था कि हार्दिक पांड्या एक तरीके से पोलार्ड की आड़ में पनपे हैं, क्योंकि उनको एक यू नो एक सपोर्टिंग फैक्टर मिला है। तो कल आपका मतलब था कि आप सपोर्टिंग फैक्टर बनते फॉर टिम डेविड, अभी वो लड़का इतना काबिल नहीं है, उसको तो कोई नहीं मिला ना, उसको तो जब वो आया पॉली रिटायर हो गए, उसके लिए एक बिग ब्रदर की इमेज है हार्दिक पांड्या की होनी चाहिए। बिल्कुल, कल राशिद खान के सामने आपने उसको मरने के लिए फेंक दिया, खुद नहीं एलेक्स मिनर के सामने, यही हुआ ना कल। हाँ। कल आपने, आपको तो अगर आपको मैच जिताना होता था वो तो पाताल की गहराइयों से जाके मैच निकाल लेता था पोलार्ड। इवन इरफान पठान ने भी कमेंट्री में यही कहा था कि उनको, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या कहने कि राशिद खान को खेलने से डर गए, ही लिटरली सेड दिस। वो मैच से ही डर गया, वो कल वो डर गया, डर भी नहीं गया मेरे ख्याल से, उसने ना ये करा जो वो ड्रामे करता है कि नहीं जी चैलेंज करना चाहता हूँ टीम को, ये उसने ये नहीं सोचा कि कितना बड़ा मैच है मेरे लिए, पहला मैच वापस एज कैप्टन, वो जीता हुआ मैच हार गया, या तो ये होता ना फंसा हुआ मैच हार गए आपके, आप गेम में नहीं थे, आप तो जीता हुआ मैच चोक कर दिया आपने, और उसमें कप्तान की पूरी गलती मानी जाएगी। कल रोहित शर्मा कप्तान होता कपड़े फाड़ देते हम, बिल्कुल, कितना एक्सपीरियंस कैप्टन मुंबई इंडियंस, इतने साल की क्या कर रहे हो आप। एक चीज है कि लेट्स बी फेयर विद हार्दिक पांड्या, देखो हार्दिक पांड्या कल से विलन तो बन रहा है कि वो फिनिश नहीं हुई नीचे आया, पर मेरे हिसाब से यार देखो एक चीज है कि एक मैच हुआ है, एक मैच के बेसिस पे हार्दिक पांड्या तो कैप्टन डिफाइन नहीं कर सकते, मैं वही बोल रहा हूं ना, आगे चलकर देखना पड़ेगा कैसे करता है। एक बार कैप्टन डिफाइन नहीं हो रहा हार्दिक पांड्या, यहां पर बात यह है कि आपने कल के मैच में जो डिसीजन किया वो डिसीजन किसी को समझ ही नहीं आया आप लास्ट ओवर में आ रहे हो जहां 19 रन चाहिए, जब आप में इतना दम है कि आप आते ही छक्का और चौका मार सकते हो, भाई मेरे जब 6 ओवर में 30 35 40 रन चाहिए तब क्यों नहीं आ रहा, अगर आ जाना और टिम डेविड को नीचे ले। मैं वही तो समझा रहा हूं आपको, आपने पोलार्ड के दम पे अपनी क्रिकेट को एक्सेलरेट करा, ऊपर लेके आए, एलिवेट करा, अब टिम डेविड को आपकी सपोर्ट चाहिए। डेविड ठीक है लेकिन अभी बच्चा है भाई, वो अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन है अभी बच्चा हो वो, ऐसे मोमेंट में गुजरात टाइटन्स एक टाइम की चैंपियन टीम, दूसरे टाइम ऑलमोस्ट चैंपियन फाइनलिस्ट, तो वो कोई छोटी मोटी आरसीबी टाइप टीम से नहीं खेल रहे थे ना कल, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो है कि कल एक तगड़ी टीम से मुकाबला था तो उसको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया। और मेरे को ये भी थोड़ा अजीब लगा कि पहले तो वो बहुत बॉन्ड बन रहा था कि ये है वो है, पहले वो खुले अपनी बदमाशी में कि मैं बॉन्ड हूँ और ये वो शोज भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, कल जब मैच हारे तो भीगी बिल्ली की तरह रोहित के पीछे पीछे घूम रहा था। ये बात सच है, देखो आपको अगर आप हार जाओ ना आपको अपने डिसीजन पे स्टिक करना होता है, वैसे तो कल कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा उसके पास कि वो इतना नीचे क्यों आया 7 नंबर पे, लेकिन जब हार गया टिकट ऑफ द चेन, फिर देख रहा है रोहित अंबानी से बात कर रहा है तो भाग रहा है पीछे पीछे, झपिया डाल रहा है, ये क्या ड्रामा है, नहीं पर क्या ड्रामा है, आप पहले करो ना जो करना है आपको, आप लास्ट में भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल रहे हो, मेरे को वो थोड़ी चीज अजीब लगी। और कल नितिन ने बड़ी सही बात बोली थी कोबरा ने हमारे, कि मैंने पहली बार देखा कि हार्दिक पांड्या डरा हुआ लग रहा था, और वाकई ही डरा हुआ था, वाकई ही कल डरा हुआ था, एंड में जिस तरीके से वो नीचे आया है, एक्चुअली यार कल गुजरात जीती कैसे अगर आप देखो अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं यार पता है लास्ट ओवर आप एक चीज, नो विकेट निकली थी अभी तक, कितने भी मैचेस हुए जीतना नहीं बनता था गुजरात का, इन्होंने बहुत बड़ा अजीब लगा।